अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं खीर, चने की सब्जी और सूजी का हलवा और पूड़ी। तो फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट है जो मैं खीर में डाल रही हूँ। और वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत ही अच्छी सरल तरीके से रेसिपी है और मिनटों में बन जाएंगे खाना बहुत ही। और आज मैंने खीर कुछ नए यूनिक तरीके से बनाई है। हमेशा की तरह चावल में ही दूध को बॉईल नहीं किया है, बहुत अलग तरीके से बनाई है। आप देखना, आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देखना, सपोर्ट करना वीडियो को और ढेर सारा प्यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ब्लॉग अच्छा लगे तो। तो यहाँ मैं चावल को सुबह ही भिगो के रख दिया था, वॉश कर लिए हैं 2-3 पानी में और उबालने के लिए रख दिए हैं खीर के चावल, इसको ढक्कन लगा के। तो जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ पूड़ी का और चने धो लेती हूँ ब्लैक वाले। तो मैंने इसको 3-4 पानी में धो लिए थे, इसे भी सुबह भिगो के रखे थे। और अभी कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के मैं सीटी लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं आटा छान रही थी पूड़ी के लिए, तो मैं थोड़ा सा आटा छान लेती हूँ। इसमें डालूंगी मैं अजवाइन, नमक और फ्रेंड्स तेल, मौन के लिए तेल, घी, आप जो भी डाल सकते हो जो आपको सही लगे। मैंने तेल डाला है और फटाफट थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं आटा गूंद लूंगी। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आटा गूंद लेंगे। और आज मुझसे एक गलती हो गई थी, जल्दबाजी में थोड़ा गीला आटा हो गया था, तो मैंने पूड़ी को फिर पलेथन लगा लगा के ही बेला। और पूड़ी थोड़ी मैंने बड़ी बड़ी बेली है, क्योंकि फ्रेंड्स पूड़ी इसलिए बड़ी बड़ी बेली है क्योंकि छोटी पूड़ी बेलती तो मैं ना बहुत लेट हो जाता, और मैं अकेली ही सब कुछ करने वाली हूँ, तो मेरे कोई हेल्प करवाने के लिए कोई भी नहीं है फ्रेंड्स घर में। मैं अकेली हूँ जो सारा काम खुद ही करती हूँ। और परी अभी छोटी है, बच्ची है, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। तो मैं फटाफट पूड़ी जैसे मैं से बेल रही थी, फटाफट सारी पूड़ियाँ बेल ली। यहाँ मैंने छोटी मोटी जो भी मेरे फटाफट बेलनी थी, मैंने सारी पूड़ियों को पलेथन लगा के बेला है। तेल लगा के ही बिलती है, पर मैंने पलेथन लगा के बेल दिया क्योंकि आटा थोड़ा गीला हो गया था जल्दबाजी में। तो यहाँ पूड़ियाँ फुली फुली बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी फ्रेंड्स। सारी पूड़ी एकदम फुल फुल के आ रही थी। यहाँ तेल में मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी। तो बड़ी या छोटी पूड़ी खानी तो हमको, ये बाहर से कोई गेस्ट तो आ नहीं रहा, तो मैं एक ही नाप की पूड़ियाँ बनाती। तो फटाफट सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल रही थी फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से फुली फुली पूड़ियाँ बन रही थी। आपके सामने देखो तो सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से बिली, मतलब अच्छी बनी थी, कड़क और फुली फुली एकदम, ऐसे नहीं पिचकी हुई कड़क, मतलब एक तो वो होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। तो ये बहुत, देखो सारी पूड़ियाँ बेल ली है मैंने यहाँ, और भगोले में आ भी नहीं रही है। तो इसको मैं दबा दूंगी अभी, और इस पर सिल्वर पेपर रख के नीचे मैंने बिछा दिया सिल्वर पेपर, ऊपर ढक भी दिया सिल्वर पेपर से। तो अब ये खीर के चावल बॉईल हो गए थे, पूरे घुट गए थे, उसी पानी में मैंने पानी एक्स्ट्रा, मतलब पानी नहीं लिया, उसी पानी में मैंने बॉईल कर दिया। और चने भी बॉईल हो गए थे, तो मैं पहले चने बना लूँगी क्योंकि चने भी सॉफ्ट हो गए थे एकदम 2-3 सीटी में। तो यहाँ डाला है मैंने जीरा, हींग, और फ्रेंड्स जीरा हींग डालने के बाद ये मैंने दही लिया है। दही में हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा अमचूर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। और इसमें एक घूंट पानी डाल के इसको पतला कर लिया है, ज़्यादा नहीं डालूंगी, एक घूंट पानी डाल के इसको मैंने पतला कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने इसमें जो भी जीरा तेल चटक गया है उसमें है मैंने मिक्स कर दिया। सिंपल रेसिपी है, बहुत ही स्वाद बने थे, और आप स्वाद अनुसार नमक मिर्ची डाल सकते हो, मैंने अपने स्वाद अनुसार डाले थे। तो मैं इस कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के और डाल दिया मैंने, ताकि ये पतला हो गए। और मैंने तुरंत ही तेल छोड़ते ही, मसाले ने तेल छोड़ते ही मैंने चने डाल दिए थे। बहुत स्वाद लगते हैं मुझे सीरा और चने, हलवा और चने बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ चने का पानी जो बचा हुआ था 2-3 घूंट डाला है, ज़्यादा नहीं, तब तक ये इसमें अच्छे से चने के अंदर भी फ्लेवर्स आते हैं मसालों का। तो जब तक पक रहे हैं तब तक मैंने इसमें दूध डाल दिया फ्रेंड्स, और मतलब चावल इतने बॉईल किए वो अपने आप ही घुट गए अंदर, मतलब पूरे घुट गए थे, घाट हो गई थी एक तरह से। और मैंने यहाँ दूध डाल दिया है, ये अभी नीचे ही है गैस पे नहीं, यहाँ केसर का पानी भी डाल दिया है, ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और चीनी भी डाल दूंगी, और फिर मैं गैस पे रखूँगी तो मंदे मंदे गैस पर पकती रहेगी ये। बाकी पूरी खीर अभी रेडी है, बस मुझे दूध पका, गर्म ही था तो मैंने नीचे उतार के डाल दिया था। यहाँ खीर पकेगी, थोड़ी पतली रखी है मैंने, थोड़ी देर बाद ये अपने आप पकेगी, तब काटी हो जाएगी। बाकी खीर घुट चुकी है, खाने लायक हो चुकी है अभी प्रॉपर। और यहाँ मैं घी डाल दिया है और सूजी
सेक रही हूँ, खीर चढ़ा दी है मैंने, चने बना लिए, पूड़ी बना ली है, और खीर बन रही है एक तरफ, और एक तरफ सूजी का हलवा बन रहा है फ्रेंड्स। तो सूजी को मैंने घी में सेक रही हूँ पहले, और मैंने मतलब खीर कितनी आसान तरीके से बनाई, पूरी बॉईल कर ली है चावल को, उसके बाद मैंने बॉईल करके नीचे उतार के दूध शक्कर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के घोट ली पूरी, और अपने आप रख दी, अपने आप पक जाएगी वो, और गैस ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ सूजी सिक गई है, तो ज़्यादा नहीं सेकूंगी मैं, जल जाएगी, बहुत अच्छे से सिक चुकी है। इसमें मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ सूजी का हलवा, मुझे वैसे भी बनाने आते नहीं है फ्रेंड्स। तो फटाफट इसमें फिर गर्म पानी कर लूँगी और ड्राई फ्रूट और चीनी डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट भी भून लिए है 2-3 मिनट, मुझे बनाना ही नहीं आता, ये गर्म पानी डाल दिया है मैंने, गाँठे नहीं पड़े, शायद ऐसे ही बोलते हैं गाँठे नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इसको फटाफट मिक्स कर लिया है और चीनी डाल दिया मैंने गैस ऑफ करके, फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो अच्छे से पका लूँगी। ये देखो फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें कोई भी कलर्स नहीं डाला, ताकि मैंने वाइट ही रखा है, मतलब हल्का क्रीमी कलर का ही रखा है सूजी का हलवा, इसको ज़्यादा लाल लाल काला काला नहीं किया फ्रेंड्स मैंने। ये देखो सूजी का हलवा तैयार है, घी मैंने इतना ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, ताकि ऊपर तक तिरे, ऐसा नहीं है। खीर भी यहाँ रेडी थी हमारी, सब कुछ, ये बर्तन मेरा इंतजार कर रहे थे। यहाँ मैंने फातिया लगवा दी है चारों चीज़ पर, ये पानी पर, हमारे यहाँ बारफात का खाना बनाया था तो मैंने फातिया लगा दी। और फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है, मैंने सूजी का हलवा फर्स्ट बार बनाया था, कमेंट में बताना ऐसे ही बनाया क्या, और ये बर्तन मेरे इंतजार कर रहे हैं। अब किचन की सारी की सफाई करनी पड़ेगी मुझे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तो खीर वगैरह भी ढक लूँगी फ्रेंड्स मैं, ढकने के बाद सारा काम करने के बाद, बहुत टाइम हो गया, 3 घंटे हो गए मुझे किचन में घुसे हुए, तो अब फाइनली निकलने की बारी है और सांस वगैरह ले लूँगी। तो रात भी हो गई है, अब बज गई, मैं 5:30 पौने 6 घुसी थी, तो 8 बज चुकी है। तो इनको भी अच्छे से मैं ढक ढुका देती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ जब तक। तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एक बार फिर से बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना। तो ये सब चीज़ ढक ली है मैंने, यहाँ देखो सब चीज़ ढक के रख दी है, और यहाँ से मैंने बर्तन वगैरह धो के किचन पूरा साफ कर लिया है। और फ्रेंड्स मैंने बर्तन धोते हुए की वीडियो देखो फ्रेंड्स, सारा काम हो चुका है यहाँ पर, और सब चीज़ ढक के रख दी है, किचन वगैरह बर्तन वगैरह सब कुछ धो लिए हैं। और मैं रूम में गई और रूम की लाइट वाइट लगाई, फ़ैन चलाया, जैसे ही मुझे याद आया कि गैस टंकी नीचे से बंद करनी, तो मैं वापस किचन में आई हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से बोल रही, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना, और वीडियो पूरी देखा करो, आगे से आगे शेयर किया करो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। तो बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।